दूध पसरी का प्लेस है। बहुत अच्छा है। आप लोगों को क्या लगा यहाँ दूध पसरी में? बहुत ही सुंदर। अच्छा, फिर कश्मीर के बारे में क्या लगा आपको यहाँ कश्मीर में आने के लिए? कश्मीर एक हेवन जैसा है जी, बहुत ही सुंदर है। अच्छा अच्छा, आपको आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ कश्मीर के बारे में? हर किसी को एक बार तो कश्मीर विजिट करना ही चाहिए। जी जी, और इसकी खूबसूरती है वो देखनी ही चाहिए। जी जी जी, अगर कोई इसे एक बार देख ले तो वापस फिर से जरूर आएगा। जी जी जी, अभी आपको वहाँ नालाई सखनाग में जाना है। नालाई सखनाग जो 8th क्लास में उर्दू में लेसन भी है। हाँ, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। अच्छा। दूध पथरी से दूध का जो दूध गंगा रिवर है उससे ज्यादा अच्छा ये नालाई सखनाग है। अच्छा। यहाँ से वाटरफॉल ऊपर से गिरता है। बस ये हम लोगों को यहाँ थोड़ा काम, आज थोड़ा काम है हम लोगों को। 4 दिन या 5 दिन के बाद नंबर आता है आप लोगों के साथ, हमारा रोजी रोटी भी चलता है। हाँ। तो और अगर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा भी रोजी रोटी नहीं चलेगी। हाँ। हम लोग भी ऐसे ही कमाते हैं रोटी, रोजी रोटी। अल्लाह ने आपके हाथ में रोजी रोटी हम लोगों को रखा है। अच्छा। तो फिर आप लोग यहाँ आते हो फिर हमारी रोजी रोटी भी चलते है। बस कस्टमर को यही मैसेज देंगे कि आप यहाँ दूध पथरी में आ जाओ, ये सबसे ज्यादा अच्छा है दूध। या गुलमर्ग, या सोनमर्ग, या पहलगाम, उससे ज्यादा अच्छा है दूध पथरी का। ये पेड़ कौन से है? ये है देवदार, आधे बुदुल आधे कायुर। हाँ, हाउस बोर्ड को इन्हीं की बना के। यहाँ ज्यादा लोग समर में ज्यादा आते हैं। समर में पहाड़ के ऊपर चलते हैं नाइट पे ट्रेकिंग पे। हम टेंटा सेंटा साथ लेते हैं फिर नाइट पे वहां पे चलते हैं। आज यहाँ बर्फ गिर गई, बर्फ की वजह से ऊपर नहीं जाते। तो मौसम कैसे हर महीने बदलता रहता है? हाँ ना, हर महीने बदलता रहता है। अलग अलग अलग, यहाँ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ पूरा ग्रीन होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद यहाँ बर्फ पड़ता है। अच्छा। बर्फ की वजह से 6 महीने यहाँ सीनरी होता है, अच्छा ग्रीन सीनरी। 6 महीने यहाँ बर्फ पड़ता है। अच्छा। जी, ये है यहाँ पे रेशी खाल, दूसरा पॉइंट रेशी खाल। अच्छा। हाँ,